दुनिया की इंसानी आबादी 8.1 बिलियन हो चुकी है। अगर पृथ्वी पर रहने वाली इंसानी आबादी को जगह के हिसाब से बांटा जाए तो हर एक किलोमीटर एरिया में 16 लोग आते हैं। वहीं इसमें से भी अगर केवल जमीन की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 53 हो जाती है। इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद इंसान आज अकेला महसूस कर रहा है। एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका में 2018 में करीब 54% लोग इस अकेलेपन का सामना कर रहे थे। वहीं यही संख्या 2019 में बढ़कर 61% हो गई। आसान भाषा में समझें तो अमेरिका में हर 5 में से 3 लोग अकेलेपन का सामना कर रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग की एक रिसर्च ने दिखाया कि आइसोलेशन का हेल्थ रिस्क एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितने बराबर हो सकता है। So you're saying loneliness is comparable to smoking in terms of the detriment to your health? Yeah, in terms of the risk that it poses for premature death, yes. यही सोशल आइसोलेशन और अकेलापन एक इंसान की जिंदगी को करीब 15 साल तक कम कर सकता है। इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि WHO ने इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया है। शायद आपने भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया फ्रेंड्स होने के बावजूद अकेलेपन की त्रासदी को महसूस किया होगा, इसलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आप जान सकें कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। Loneliness levels are reaching record highs. It increases your risk of depression and anxiety and suicide. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि loneliness होता क्या है। एक डेफिनेशन के हिसाब से loneliness एक unpleasant experience है जो कि social relations की कमी के कारण होता है। ये कमी quality या फिर quantity किसी भी रूप में हो सकती है। For example, किसी के पास friends तो हैं पर वो comfortable नहीं होता उनसे अपनी बात कहने के लिए, या फिर किसी के पास फ्रेंड्स ही नहीं है। I have no friends. एक और कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग एलोन और लोनली में डिफरेंस नहीं कर पाते। आई रिपीट, लोनलीनेस एक एडजेक्टिव है जो कि यूज होता है बैड फीलिंग्स के लिए। जैसे या तो किसी के पास फ्रेंड्स ही नहीं है अपनी बात कहने के लिए, या फिर फ्रेंड्स हैं पर उसे लगता है कि अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात शेयर की जाए तो उल्टा वही हंसी का पात्र बन जाएगा, यानी क्वालिटी फ्रेंड्स नहीं है। जबकि एलोन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग्स जुड़ी हो सकती हैं। कई बार हम खुद को जानबूझकर एलोन रखना पसंद करते हैं और अकेले ही फुलफिल भी महसूस करते हैं, पर लोनली में आप अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करते हैं। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही हों। गुलजार साहब का एक शेर भी है, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। यानी ये भी संभव है कि आप अकेले होकर भी अकेलापन महसूस ना करें और भीड़ में होकर भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हम अकेलापन महसूस क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद लोनली फील करते हैं क्योंकि वो अपने एक क्वालिटी रिलेशनशिप को खो देते हैं। जैसे आप आशीष की स्टोरी सुनिए। ब्रेकअप के बाद यार काफी चीजें बहुत वर्स्ट हो गई थी मेरे लिए। इतनी सारी बातें थी मन में जिससे करनी थी वो इंसान था ही नहीं, और किससे करता मैं पूछे, मतलब बहुत वर्स्ट हो गया था। पूरे पूरे दिन पर घर में पड़े रहना, घर वाले अगर कुछ काम बोल दे वो ना करना, अपने रूम में ही रहना, फोन ना चलाना, कुछ नहीं करना, एक जिंदा लाश होती है ना, उसकी तरह एकदम मैं हो गया था बिल्कुल। वहीं कई लोग जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद भी लोनली फील करते हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है और उससे भी बुरा होता है बुढ़ापे में अकेलापन। और अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ये अकेलापन महसूस करने के। कई लोग अपनी जॉब चेंज करने या फिर यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों में भी अकेलापन महसूस करते हैं, और कई लोग बताते हैं कि फेस्टिवल्स के समय वे बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ये अकेलापन महसूस करने की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 2-3 कंडीशंस एक साथ हों। फॉर एग्जाम्पल, आप फेस्टिवल के दिन किसी ऐसी जगह हों जहां आपके लाइक माइंडेड लोग नहीं होते। जैसे लोगों के लोनली फील करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही इसकी इंटेंसिटी भी लोगों में अलग अलग होती है। जर्मनी में 2013 से 17 के बीच में एक रिसर्च हुई जिसमें 3 तरह के लोग शामिल किए गए थे, विदाउट डिसेबिलिटीज, मॉडरेट डिसेबिलिटीज और सीवियर डिसेबिलिटीज। इससे 2 तरह के आंकड़े सामने आए। पहला ये कि फीमेल्स मेल्स की तुलना में ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। दूसरा ये कि डिसेबिलिटीज की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके लोनली होने की रेट उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके अलावा वे लोग जिन्होंने कई तरह के भेदभाव लाइक जेंडर, सेक्सुअल आइडेंटिटी और रेसिज्म का सामना किया हो, ऐसे लोग औरों की तुलना में ज्यादा लोनली फील कर सकते हैं। और अब ये जानते हैं कि अकेलापन आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। सोशल आइसोलेशन और अकेलापन फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के लिए बहुत रिस्की है। इसमें हाई बीपी, हार्ट डिजीज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स डिजीज
और कई केसेस में इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन कई तरह के एडिक्शन लाइक पॉर्न, अल्कोहल और ड्रग्स जैसी बुरी चीज़ों में भी धकेल सकता है, जिसके बाद चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। वैसे तो भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज और इस अकेलेपन को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, जस्ट से इट टू मी राइट नाउ, सिट ऑन माय फेस, कम ऑन, सिट। पर जापान वो पहला देश है जिसने इस मेंटल हेल्थ इशू को सीरियसली लिया है और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री स्थापित की है। अगर भारत से कंपैरिजन करें तो भारत में ऐसा हाल फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए खुद को इस अकेलेपन से निकालने की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। अकेलापन दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप फुलफिल फील करें, जिसके लिए आप धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताने की आदत डालें, अपने से बात करें, अपनी बातों को लिखें, बाहर निकलें और नए लोगों से मिलें, नई हॉबीज डेवलप करें और पुरानी हॉबीज को टाइम दें। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं, तो आप नई नई किताबें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, खासकर वो किताबें जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है या फिर आप पर थोपी नहीं गई हैं। वो किताबें किसी भी तरह की हो सकती हैं, लाइक पोइट्री, सेल्फ हेल्प बुक, नॉवेल्स। बस एक बार आप फुलफिल फील करने लगें, उसके बाद यस, यू कैन राइट योर ओन स्टोरी। आई कैन रीराइट द स्टोरी।